प्रणाम महादेवी। देवी, आप कैलाश पधारकर सदा मुझ पर उपकार करती हैं, पर मुझे दुख होता है क्योंकि आपको कष्ट उठाना पड़ता है। आपको जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो, आप मुझे ही बुला लिया करें। मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ भोलेनाथ। मैं जानती हूँ आप कितने उदार, कितने महान हैं, किंतु विधान ये है कि प्यास व्याकुल करे तो प्यासे को ही झरने के पास जाना पड़ता है। परंतु देवी, मैं तो वो झरना हूँ जो सदा प्यासे के पास जाने के लिए व्याकुल रहता है। इसीलिए तो सब आपको आशुतोष और दानी कहते हैं। देवी, मैं आपके कैलाश पधारने का कारण जान सकता हूँ? हे भोलेनाथ, सृष्टि में विष की जानकारी आपको सबसे अधिक है। विष के प्रभाव को रोकना केवल आप ही जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको हलाहल पान करते हुए देखा था। हाँ देवी, पर विष के प्रति आपकी रुचि का कारण क्या है? हे नीलकंठ, दुष्ट हिरण्यकशिपु मेरे पुत्र प्रहलाद को विष भोजन में देकर मारना चाहता है। मारना चाहता है? किसी के प्राण लेने का अधिकार उसे किसने दे दिया? हिरण्यकशिपु किसकी सुनता है, वो मेरे वासुदेव का बैरी है और उसका पुत्र उनका परम भक्त। बस इसी कारण स्वर भानु के परामर्श पर कल प्रातः काल उस बालक के भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई गई है। और विष इतना प्रभावशाली है कि जीभ से छूते ही मेरे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विष से रक्षा आपका क्षेत्र है नीलकंठ, इसलिए याचना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप प्रस्थान कीजिए देवी, आपने कह दिया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और आप स्वयं चिंता करना छोड़ दीजिए। हे शिवशंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। रुको दासी, ले जाओ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? मेरा पुत्र कारागार में है, मैं कुछ और नहीं कर सकती, तो क्या अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती? तो ये क्यों नहीं कहती कि तुम इसी बहाने अपने पुत्र से मिलना चाहती हो? पुत्र तो वो आपका भी है स्वामी, आप इसे माने या ना माने, किंतु यदि मैं उसे मिलना चाहूँ या देखना चाहूँ तो क्या ये कोई अनहोनी बात होगी? क्या आप संसार की किसी ऐसी माँ को जानते हैं जो अपने पुत्र से मिलने के लिए या उसे देखने के लिए व्याकुल ना रहती हो? मेरे लिए वो केवल मेरा विद्रोही है, विद्रोही। किंतु मेरे लिए वो केवल मेरा पुत्र है। मुझे उससे घृणा है, अपार घृणा। मुझे उससे प्यार है। पिता पुत्र से क्रोधित हो सकता है, उसके प्रति कठोर और निर्दयी हो सकता है, पर माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति स्नेह के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि माँ अपने पुत्र से रूठ भी जाए तो भी वह उसका भला ही चाहेगी। मुझे अपने पुत्र के लिए इस छोटे से स्नेह प्रदर्शन से ना रोकिए स्वामी, मुझे उसे अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति दीजिए। ठीक है, मुझे आपकी विनती स्वीकार है, किंतु उसे भोजन करा के शीघ्र लौट आइएगा। जाइए। चलो दासी।
यह आपने क्या किया भगवान? स्वर भानु, मैं माता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता था, किंतु तुम वहां जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, और शीघ्र अति शीघ्र लौटकर मुझे प्रहलाद की मृत्यु का समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा भगवान। देखिए आपने हिरण्यकश्यपु की क्रूरता सर्वेश्वर। महादेवी, वो यदि क्रूर नहीं होता तो असुर क्यों कहलाता? पुत्र पिता का वध कर देते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा है, किंतु एक पिता अपने पुत्र का वध करना चाहता है, ये तो पहली बार देखा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। जानती हूँ कमलनयन, किंतु खेद इस बात का है कि माता को ज्ञान ही नहीं कि जो भोजन वो अपने पुत्र के लिए ले जा रही है वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। महादेवी, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। देखिए तो सही क्या होने जा रहा है। पुत्र प्रह्लाद, नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम माते। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा है, तब तो भोजन करने में बड़ा आनंद मिलेगा। तुम जब भी अपने हाथों से मुझे भोजन कराती हो, मैं भूख से दुगना भोजन कर जाता हूँ। न जाने क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। आओ पुत्र। बड़ी कठिनाई से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझे अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति दी है। मैं तो ये सोचती थी कि न जाने कारागार में तुम भर पेट भोजन करते भी होगे या नहीं, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराना चाहती थी। तो कराइए ना माते, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। पुत्र, भोजन कैसा है? आहा, क्या स्वादिष्ट भोजन है, बड़ा आनंद आ गया। खीर, मेरी मन भावन खीर। माते, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। पियो ना पुत्र।
राजकुमार ने भोजन कर लिया। हाँ, किंतु उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सारी खीर जल की भांति पी गए। क्या? तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम्हें भोजन खिलाकर मैं तुरंत लौट आऊं, किंतु तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। माती, आप जाइए, मैं नहीं चाहता कि मेरे कान आपको पिताश्री का क्रोध झेलना पड़े। स्वामी, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? धन्यवाद? किस बात के लिए धन्यवाद महारानी? आज कितने दिनों पश्चात मुझे अपने पुत्र को भोजन कराने का सु अवसर मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। यदि आपका मन ना पसीता तो मैं आज ना अपने पुत्र से मिल पाती ना उसे भोजन करा पाती। उसने खीर पी? हाँ स्वामी, खीर तो उसका मनभावन पकवान है, वह खीर पीकर बहुत प्रसन्न हुआ। आपका पुत्र सर्वथा स्वस्थ है? एकदम स्वस्थ, और आपकी कृपा से बहुत हृष्ट पुष्ट भी। कारागार के कठोर जीवन का उस पर कोई प्रभाव नहीं। स्वामी, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। जय हो। महारानी, राजकुमार स्वस्थ तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? विचित्र बात है, आज तो जैसे अचानक सभी को मेरे पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता हो गई है। अरे बावली, पुत्र ने अपनी माँ के हाथों से भोजन किया है। यदि उसे कुछ होता भी तो माँ के हाथों से खिलाया भोजन खाकर वो ठीक हो जाता। पर बात क्या है महारानी? महारानी, वो क्या बात है? तू बताते बताते चुप क्यों हो गई? बता क्या बात है, बोल। कहीं मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है? वही हुआ है महारानी, वही हुआ है। क्या हुआ है, बोल। आपने जो भोजन राजकुमार को दिया था उसमें विष मिला हुआ था। क्या? हाँ महारानी, दुष्ट स्वर भानु ने मेरे सामने खीर में विष टपका दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे दुष्टा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भगवान हिरण्यकशिपु के भय से मेरे मुख पर ताले पड़ गए थे महारानी। हे ईश्वर, ये क्या हुआ? मैं अपने ही हाथों से अपने कलेजे के टुकड़े को विष खिलाई? नहीं, नहीं। वासुदेवाय पुत्र, पुत्र नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हुआ माते? पुत्र, तो बिल्कुल ठीक तो है ना? मेरे सब आपका आशीर्वाद है, मुझे क्या हो सकता था? मेरा पुत्र, हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे पुत्र। क्या बात है माते? तूने जो खीर पी थी उसमें दुष्ट स्वर भानु ने विष मिला दिया था। मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए थे पुत्र, परंतु तू बच गया। तुझे कुछ नहीं हुआ मेरे पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। माते, मैंने विष्णु भक्ति का कवच पहन रखा है, मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया। तुम पिताश्री के भय से कह नहीं पा रही हो, किंतु
तुम भली भांति जानती हो कि कौन मेरी रक्षा कर रहा है, कौन मुझे बार बार बचा रहा है। तुम भले अपने मुख से नाम ना लो, पर मैं बार बार उसी का नाम लूंगा। विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।